गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं ये कहना चाह रहा था कि गुरुदेश्वर भगवान की स्थापना कैसे हुई और कब की गई। एक नाम का राक्षस था, कुल उसका ब्राह्मण था, लेकिन वो इंद्र की बलि नहीं चाहता था, फिर भी इंद्र के साथ दृष्टि करके रहता था, लेकिन तपस्या में इंद्र से भी बढ़कर था। इंद्र ने उसके साथ दोस्ती किया था कि वृत्रासुर हम दोनों मिलकर दोस्त बन के रहेंगे। वृत्रासुर इंद्र के साथ रहते थे वो राज्य, लेकिन इंद्र के दिल में एक बात खटकती थी, कभी अगर ये तपस्या जरा किया तो कभी ना कभी वो मेरे पदवी को जरूर लेगा। इंद्र को ये डर उसके दिल में बैठ गया और वृत्रासुर को बहुत भरोसा करने के बाद एक दिन बैठे बैठे अकेले हम बोले गुफा में तपस्या करने के लिए जाएंगे। तपस्या करने के लिए गया और दोनों तपस्या में बैठे थे, आंखें मूंछ कर इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया, खत्म। जैसा ही इंद्र ने वृत्रासुर को खत्म किया वृत्रासुर ब्राह्मण रहने के कारण उसका पाप इंद्र को लग गया, उसने धीरे से मारा। इंद्र जहाँ जाता था वो पाप उसका पीछा करता था। इंद्र बोला वृत्रासुर रहता तो अच्छा था, ये पाप पीछे लग गया क्या बात है। वो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताएं सारे तीर्थ घुमा, जाकर जाकर फिर महेश्वर भगवान शिव जी के पास आखिर में आया और बोला कि प्रभु बहुत तंग हूँ, 1000 वर्ष हो गए मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, मेरे पीछे ये पाप ब्रह्मा हत्या का पाप लगाओ। शिव जी ने कहा इंद्र तू गलत बोल रहा है, ब्रह्म हत्या का पाप हो स्त्री हत्या का पाप हो गो हत्या का पाप हो कोई किसी तीर्थ में जाने पर वहाँ पाप जाते ही जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुनिया ये गलती की है कि तेरे पर विश्वास करता था, उस विश्वास उस वृत्रासुर को तू धोखे से मारा, वो सबसे बड़ा पाप है, कहीं धोया नहीं जाता, ये तो तेरे पीछे लगा ही रहेगा, क्योंकि वो तेरे पर भरोसा करता था, तेरे पर विश्वास करता था, तूने उस विश्वास का घात किया, उसको मारा है, इसलिए इस पाप को धोने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जैसे हमने कभी अपनी पत्नी अपने विश्वास करती है, अपना पति अपने विश्वास करता है, अपना पुत्र अपने ऊपर विश्वास करता है, अपना दोस्त अपने ऊपर, गुरु पर शिष्य विश्वास करता है, लेकिन अगर उसको धोखा देकर शिष्य मार दिया जाता है, शिष्य गुरु को धोखा देकर मारता है या अपने पत्नी पुत्री पत्नी को हत्या करते हैं तो उस पाप को धोया नहीं जाता। ऐसा शिव जी ने इंद्र को कहा, इंद्र रोने लगा, प्रभु ऐसा रहा तो मेरी गति क्या, 1000 वर्ष अभी तो नहीं छुड़ा, कोई तपस्या नहीं कर सकता, कोई इंद्र पदवी पर नहीं बैठ सकता, स्वर्ग में नहीं बैठ सकता, मेरी ऐसी स्थिति हो गई, कुछ न कुछ करो। तो भगवान शिव ने कहा इस ब्रह्म हत्या के पाप के लिए तुझे ब्रह्मा के पास ही जाना होगा। इंद्र ब्रह्मा के पास गए और रोने लगे, प्रभु गलती हो गई, नहीं मारना था मार दिया, लेकिन ये पाप नहीं छूट रहा, इसके लिए कुछ न कुछ तो करो। ब्रह्मा ने कहा ये पाप तो छूटेगा नहीं, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये पाप छूटने नहीं छूटता तो इंद्र का पदवी इंद्र का राजा बनकर देवताओं का नहीं रह सकता, तो इसको नहीं छूटते हुए तेरे को तो इंद्र पदवी पर बिठाना है, तो देवता तूने क्षमा मांगी है गलती का, तूने पश्चाताप किया है आया। तो इंद्र भगवान ब्रह्मा ने कहा पहले तू वृत्रासुर को क्षमा मांग ले कि ऐसी बात हुई। इंद्र वृत्रासुर को भी क्षमा मांगने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो छूटता नहीं था पाप। तब ब्रह्मा ने कहा मैं इसका एक उपाय बताता हूँ, इस पाप के 4 भाग करता हूँ, 4 भाग करके ये पाप चारों में बांट देता हूँ तो तेरा पाप छूटेगा। तो ने कहा प्रभु 4 पाप कहाँ बांटेंगे, पहला पाप तीर्थों में बांटता हूँ, तीर्थ है जैसे तीर्थ, और वो तीर्थ में बांट कर ये कहता हूँ कि तीर्थों में जो भी साधना करने जाएगा वो अगर मैल
रूप से अगर तीर्थ में आह्वान करता है और ब्राह्मण बिना अवगाहन यानी बिना मालूम के आचमन करते हुए गंगा में स्नान करता है तो पहला पाप उसके उसको लगेगा, दूसरा पाप पृथ्वी में डालता इस पृथ्वी की मिट्टी को जो कोई भी भक्षण करेगा वो दरिद्रता को अनुभव करेगा। इसलिए मिट्टी नहीं खाते हम, मिट्टी से उत्पन्न हुई सारी चीजों को खाते हैं, मिट्टी को नहीं खाते। तो आधा एक चौथाई पाप पृथ्वी को डालते। तीसरा पाप उन्होंने कहा स्त्रियों के गर्भ में डालता हूँ, स्त्रियों के योनि में डाल देता हूँ। वो पाप ये कि वो जब चार दिन महिला होती है उनको कोई छूना नहीं, त्याज है वो स्त्री। जो इस चार दिनों में स्त्री को जब उनका पीरियड्स आता है तब जो छूता है स्त्री को, स्त्री ऐसा कोई देवता कार्य करती है उसके पीछे पाप लगेगा। उस स्त्री को जो भी छूकर ये काम करता है उस पुरुष को या उस घर में रहने वाली को, उसमें देवता अर्चन करने वाली को, देवता को नाम लेने वाले को, ये तीन दिन का पाप स्त्री के उस माइल में डाल देता हूँ। तीसरा पाप गया। चौथा पाप हो गया कि अभक्ष भक्षण करने के बाद इच्छा नहीं रहने पर भी, अपनी इच्छा रहने पर किसी को ज़बरदस्ती किसी का खाना उठा के लाने वाला, ज़बरदस्ती किसी को छेड़ कर चीज़ें, यानी उसकी इच्छा न रहने पर भी उसको लूट कर लेने वाला, चौथा पाप उसे डालता। इस प्रकार इंद्र पाप से मुक्त हो गए। तो इस पाप से मुक्त होने के बाद ब्रह्मा को इंद्र भगवान ने प्रार्थना की कि आपने ये सब किया, तो ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा को कहा कि प्रभु ये बात तो सच है लेकिन कल के दिन ये पृथ्वी, ये स्त्री, ये ब्राह्मण सब लोग मेरे को जुड़ जाइए कि हमारे ऊपर बांट दिया, फिर इसका कैसे हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पाप को तो बांट दिया, अब इस पाप को जाने के लिए क्या करना है, शिवजी के पास जाए। वो शिवजी के पास आए और शिवजी को कहा मेरा पाप तो छूट गया लेकिन ये पाप जिनको दिया वो लोग कल के दिन मुझे गालियाँ देंगे कि भाई तुमने ये क्या किया, तुम्हारा पाप हमारे को लगा दिया कारणवश, तो फिर कैसे हो। भगवान शिव ने कहा कि तू नर्मदा नदी के तट पर, मैं वहाँ विराजमान हूँ, तू नर्मदा में स्नान कर ले और वहाँ से एक पत्थर उठा के ला ले, उस पत्थर की पूजा कर और वहाँ स्थापन कर ले, मैं मुझे प्रसन्न होता हूँ। अरे भगवान नर्मदा के तट पर और उन्हें उस नर्मदा से एक पत्थर लिया और उसकी स्थापना की। स्थापना करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि इंद्र तू तो पाप से मुक्त हो गया, अब क्या चाहता है कि मेरे ओर से ये चारों लोग जो पापों को मैंने बांटा है वो लोग कल के दिन वो लोग कहीं साफ न दे दे मुझे कि मैं ऐसा हो गया हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आज महादेव यहाँ ब्रह्मा को तुझे पाप मुक्त करने वाला इंद्रेश्वर भगवान के नाम से तुमने स्थापना की, इस इंद्रेश्वर भगवान के नाम से स्थापना होता हूँ, वो चार वर्ण के लोग, वो ब्राह्मण, स्त्री, पृथ्वी और ये यहाँ आकर पूजा करते हैं तो उनको कभी वो साफ नहीं लगता। तो आज के दिन भगवान इंद्र ने यहाँ उनकी शाप मुक्ति के लिए प्रार्थना की, जो ब्राह्मण, जो स्त्री अपने घर गलती से, जो पुरुष अपने घर में रजस्वरा स्त्री को छूकर कभी पूजा किया है या कोई यंत्र आदि को लगा है या उसका पाप उसको लगा है, उसको कोई सिद्धियाँ नहीं मिलती, वो लोग आज इस इंद्रेश्वर भगवान को रुद्राभिषेक करते हुए बेलपत्र चढ़ाकर इंद्रेश्वर भगवान का दिया हुआ, जो शूलपाणि ने मंत्र दिया है, भगवान शिवजी ने मंत्र दिया है, उस मंत्र के पांच माला करते हुए बिलोपत्र चढ़ाकर उस बिलोपत्र को खा लेते हैं तो उनको रजस्वला का दोष या इंद्र का दिया हुआ पाप नहीं लगता। अब अभिषेक करने के लिए उदय महाराज और शिशुपाई वो अंदर जाएंगे, पहले स्त्रियाँ जाकर अभिषेक करेंगी, पांच दीपक चढ़ाएंगी, बाद में पुरुष जाएंगे, बाद में अपना बिलो पत्र उठाकर बाहर आएंगे, मंत्र उसके बाद देता हूँ, पहले अभिषेक के लिए तैयारी करो, सब लोग नदी से जाकर एक एक लोटा पानी ले लो, इनकी पानी ला लेकर आप सभी लोग आज तक साधनाएं की है और अपने से गलती ना मानकर स्त्रियों का भी हो दोष हो गया हो या अपने घर में भी कभी हो गया हो तो उस पाप की निवृत्ति के लिए भगवान इंद्र ने यहाँ प्रार्थना करके इंद्रेश्वर भगवान की स्थापना की है। अगर कोई ब्राह्मण बिना आचमन के तीर्थ में अगर उसने ऐसा स्नान किया तो उस पाप से तीर्थ उसका पुण्य नहीं, तो श्राप देता है ब्राह्मण को, ऐसा कहा गया। तो तीर्थ इसमें अवगाहन न करते हुए अगर ब्राह्मण
तीर्थ में स्नान करता है तो उसे वो पाप लगा, उस पाप का दोष निवारण करता है। इसे कहा ब्रह्म हत्या के कारण ही इंद्र में महापुरुष की उत्पत्ति हुई। अब मैं देवता तथा प्राणियों से उपकारार्थ ब्रह्म हत्या पाप को चार भाग में बांटकर उन चार स्थानों में छोड़ देता हूँ। यह कहने के पश्चात ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या के चतुर्भाग उपयोग करके एक एक भाग जल पर छोड़ दिया। इस कारण ब्राह्मण लोग जल में अवगाहन बिना करके हुए जल पीते हैं तो यह उनको भाग चल जाता है। एक बार इसके उपयुक्त नहीं करते तो अवगाहन करके ही करना चाहिए। जल के अवगाहन करके आयन करने के बाद स्नान करना चाहिए, फिर उसके बाद आयन करना चाहिए। अवगाहन तीर्थ का अवगाहन करके उसका आचमन करके उसको तो स्नान करना चाहिए ब्राह्मण को, नहीं तो वो वापस को लग जाता है। तदनंतर पद्मयोनी ने द्वितीय भाग पृथ्वी पर छोड़ा, इसी कारण पृथ्वी का अपक्षय है, मिट्टी कोई नहीं खाता, मिट्टी खाने वाला गरीब हो जाता है। ऐसा हे युधिष्ठिर तदनंतर ब्रह्मा ने बचे दो भागों में से एक भाग नारीगण के प्रति गर्भ में छोड़ा दिया। रजस्वला नारी अग्राही होती है, इसको ग्रहण कोई नहीं करता। रजस्वला कदापि ग्राही नहीं है, पाप प्रभाव ज्ञाता प्राज्ञी लोग रजस्वला स्त्री का चार दिन त्याग कर देते हैं, करना चाहिए। ऐसा ना होने पर जो पाप करता है वो पाप। इसके बाद परमेश्वर ने ब्रह्मा चतुर्भाग को मानकर मैंने ऐसा कहा कि यहाँ गोरक्षा मायुशूद्र सेवा ब्राह्मण जो भी लोग यहाँ करने वाले अपनी इसको छोड़कर गऊओं को या किसी तरीके की इस परद्रव्य को हरण करते हैं, लूटते हैं, ऐसे लोगों को चौथा पड़ जाएगा, उनको अपने नहीं मिलता। जो ज़बरदस्ती किसी का धन लूटते हैं, किसी को छेड़ते हैं, किसी को प्राप्त करते हैं, या उसकी मन मर्जी के विरुद्ध उसके मन के विरुद्ध उसका काम करके उसको लूटते हैं, उसको वो पाप लगेगा। वो पाप ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है ऐसा कहा गया। और वो चौथा प्राप्त को छोड़ तदनंतर भगवान इंद्र ने ये कहते हुए कहा कि प्रभु ये जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि तू मेरे पास आ जा। और शिव जी ने यहाँ नर्मदा इंद्र ने नर्मदा से प्रश्न लिया, यहाँ तपस्या 1000 वर्षों तक की और उसके बाद शिव प्रत्यक्ष हुए। और शिव जी ने कहा कि जो मैंने अकारण ये चार मेरा पाप चार लोगों में बांटा है वो अगर यहाँ आकर पुण्यता से पुण्य सरिता में इस इंद्र भगवान की नर्मदा से जल लाकर चढ़ाकर स्नान करके इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और करते हैं तो उनको इन दोषों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। एवं अस्तुति जोत्वा तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा चतुरा आकाश मध्यस्तुयमान हंस में इस इंद्रेश्वर स्थापन किए हुए इस लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों भी इसमें विराजमान हैं। गतेषु देवदेवेशु देवराज शतपथु स्थापयित्वा महादेव जगामस्त्री दशालय इंद्रतीर्थे क्रिया स्नात्वा तर्पयत् पितृदेवता महापातक युक्तो भी उच्यते सर्वपात गई। यहाँ जो भी आकर अपने पितृगणों को जल चढ़ाते हुए उनको तर्पण करते करने के बाद इंद्र भगवान की अभिषेक इंद्रतीर्थ के स्नान का पूजे परमेश्वर इस नर्मदा में स्नान करते हुए यहाँ तक अगर पूजा करते हैं इंद्रेश्वर भगवान की। सो अश्वेद से यज्ञ से पुष्कर संस्कृते एक तत्व सर्वतीर्थ महात्म स्तुतमात्रेण ये नहीं मुझे पात्र पात्र जो केवल ये सुनकर भी इंद्रेश्वर भगवान के दर्शन लेता है उसके पाप जाते हैं, ऐसा स्कंदित प्राण भी रेवा में कहा गया। तो आगे का कार्यक्रम यह है कि हम अभिषेक करें। जो भी स्त्री ऐसे दोषों से युक्त है अपने से मालूम होकर ना मालूम होकर ये दोष हुआ है कि हम रजस्वला स्त्री होकर घर में छू लेते हैं भगवान को यंत्र को आदि छू लेते हैं उसका पाप भगवान को भी छोड़ता है ऐसा, या कोई ब्राह्मण तीर्थ में योग्य रीति से स्नान नहीं करता ऐसा, जो अपने कभी किसी को लूट कर किसी की अनिच्छा से उस स्त्री के प्रति पुरुष के प्रति उसका धन होता है ऐसा पाप, और इसमें अगर कभी मिट्टी खाई है तो इसका पाप। मिट्टी खाने से मनुष्य कितना भी महान हो दरिद्रता को प्राप्त करता है या दरिद्रता उसके पास लक्षण नहीं आती ऐसा कहा है। इसके बारे में अगर एक छोटा सा उदाहरण तो अपना गलत नहीं समझना। माता सीता को जब दोनों बेटे पेट में थे तो माता सीता को पूछा गया कि जंगल स्त्री को गर्माने के बाद पूछते कि तेरे को क्या खाने की इच्छा हो रही है, तो कोई कह रही कोई ऐसी नहीं। माता सीता ने कहा था कि वर्षा होते समय जो मिट्टी होती है वो मिट्टी खाने की इच्छा है। आपने देखा है वो गर्भ के खाने के बाद आखिर तक भी आश्रम में रही, उतना उसने वो कुछ भी ऐश्वर्य नहीं अपनाया और आखिर में पृथ्वी के साथ चली। पृथ्वी की माता थी फिर भी ऐसी इच्छा करने वाले उस ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर दे सका, इसलिए पृथ्वी मिट्टी यानी पृथ्वी की मिट्टी अभक्ष भक्षण कहा गया है, वो नहीं खाना चाहिए खाने से। बताइए हमारे सामने उदाहरण है, जब सीता माता का वो है तो अगर हम गलती से कभी मिट्टी खा लेते हैं तो उसका अर्थ गलत हो जाता है, इसलिए मिट्टी नहीं खाना चाहिए। मिट्टी को भी मिट्टी में भी एक पाप ब्रह्मा ने डाल दिया। इसलिए आप सभी को निवेदन है कि हम यहाँ आए हैं इंद्रेश्वर भगवान के पास, इंद्रेश्वर भगवान के पास आए तो हम हमारे पाप मुक्ति के लिए अभिषेक को करेंगे वहाँ बैठकर। आप सब लोग जल चढ़ाकर पांच दिन
उसके बाद में मंत्र बोलता हूँ जो इंद्र भगवान के पास करना है, और उसी का दशांश हवन और रुद्र हवन और नवारण मंत्र का हवन, हाँ इसके बाद हवन के लिए सब लोग एक एक करते हुए अभिषेक के लिए।